को ये आज प्रॉपर मैं आपको सनसेट होता हुआ दिखा रही हूँ गाइस, देखो कैसे ऐसे वो हो रहा है। हेलो गाइस, हेलो 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 गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस देखो इतनी धूप हो रखी है, बहुत तेज गर्मी होने लगी है यार, बाहर ही नहीं निकला जाता है। और मैं और मम्मी आए थे एक बार मार्केट क्यों आए थे, क्योंकि तो हमें पुराने बर्तन चेंज करवाने थे, हमारे घर पे इतने बर्तन पड़े हुए थे तो वो सब कट्टा भर के हम लोग लाए थे, तो हमने चेंज करवाए हैं वो। और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मम्मी? नर्सरी भाई। अब आपको गर्मी में मेरे नर्सरी के ब्लॉग से देखने को मिलेंगे। तो नर्सरी जा रहे हैं पेड़ वेड़ लाने, गमले लाने जा रहे हैं, पेड़ तो क्या ही। उसके बाद मदर रोड जाएंगे एक शादी में, तो वही जाके देखते हैं नर्सरी में कुछ पसंद आता है कि नहीं आता है। ये देखो बह रोड की मार्केट, वो कपड़े नहीं ले पता। हाँ मैं रीना से पूछ लूँगी, भाई मम्मी पेंट बहुत अच्छी सिल के देता है वो टेलर, रीना सिलवाती है उससे। हाँ और उसके भी वही शायद 600 या 500 रुपए रेट है सूट के। हाँ वही पूछ लूँगी मैं उससे, पेंट तो मैंने देखी है ना उसकी। तो गाइस यहाँ बात हो रही है टेलर की, तो अभी मैं मम्मी को बता रही थी कि मेरी कज़न है वो सिलवाते हैं वहाँ से सापरा से, तो उसका टेलर बहुत अच्छी पेंट सिलता है, तो उसी की हम बातें कर रही थी दोनों सासू बहू। तो मम्मी कह रही थी 15 तारीख को डाल आऊँगी मैं। तो मॉर्निंग गाइस, और गाइस अभी देखो मदर लगाएंगी। हाय गाइस, और कैसे हो आप? देखो गाइस आज मैं टाइट में टॉप ऑफ बोल रही। तो गाइस ये देखो मदर लगाएंगी मेरे तेल सुबह सुबह, ऑयलिंग। गाइस देखो मदर लगा रही है सुबह सुबह तेल। और कितना क्या क्या टाइम हो रहा है मदर? 7 तो नहीं, 8 बज रहे हैं शायद से। 7:30 हो रहा है गाइस। और मदर ने सुबह सुबह काम भी सारा निपटा लिया। गाइस करनी पड़ेगी सब, बड़ा पंडल करवानी पड़ेगी। छाछवा अच्छा देख लो भाई, ये राज है अब समझ में। ठंड वेरो से बहुत बहुत प्यार से रखनी पड़े रोटी खानी से, इनको पता है गाइस राज की बात। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है यार, लोग कमेंट करने लग जाएंगे नहीं तो। कर दी दोनों सासू बहू मिलके लगा लिया, देख लो गाइस। गाइस रिलैक्सिंग पॉइंट सुबह सुबह, और मदर एकदम बढ़िया। तो गाइस सुबह सुबह बहुत मजा आ रहा है चंपी करवा के, और अभी ये करवा के फिर बनाएंगे खाना। तो गाइस मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट ये है, और एक नारियल पानी। ये दोनों चीज़ें मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, मतलब कुछ भी फ्रूट और नारियल पानी। उसके बाद दोपहर में प्रॉपर लंच करती हूँ गाइस। तो गाइस अभी मैं बैठी हुई थी, अभी बज रहे हैं 2, और अभी बस चाय वगैरह 2 नहीं बज रहे मतलब 4 बज रहे हैं, चाय वगैरह पी है, और अब होंगे तैयार, रील्स वगैरह बनाने जाएंगे हम लोग। तो बस अभी थोड़ा सा काम करके आए और अब होंगे तैयार। और गाइस देखो मैंने मतलब दवाइयाँ ली हैं, तब से मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया है और ग्लो भी कर रहा है, क्योंकि आजकल मैंने अपना खाना पीना भी पूरा डाइट चेंज कर दिया है। रोटी बहुत कम खा रही हूँ, फ्रूट्स और पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ गाइस आजकल, मतलब दिन के 4 लीटर पानी मैं पी जाती हूँ आजकल दिन में, मतलब पानी तो मैंने बहुत ज़्यादा ही पीना शुरू कर दिया, इस वजह से थोड़ा ठीक हुआ है। कुछ दवाइयाँ भी ली थी, तो अभी हो जाती हूँ फटाफट तैयार। और आज मैं पहनूंगी साड़ी रील्स के लिए, सबसे पहले साड़ी पहनूंगी उसके बाद और पहनूंगी, तो पहले पहन लेती हूँ साड़ी गाइस। तैयार होकर आपसे मिलती हूँ गाइस, तो गाइस तैयार होकर आपसे फिर मिलती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको मैं अपना पूरा लुक तैयार होकर। तो गाइस मैं हो गई हूँ रील्स वगैरह बनाने के लिए रेडी, और मेरा शूट कौन करेगा वो आपको मैं दिखा देती हूँ। अभी बस घर से निकल रहे हम लोग, कहाँ करेंगे वो सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल मदर काट के लाई है एप्पल, तो गाइस केयरिंग मदर है। मेरा शूट करेंगे वैद शर्मिला यादव, और पूरी कैमरामैन बन चुके हैं, धीरे धीरे और सारे बन जाएंगे, फिर हमें कैमरामैन रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। और फिलहाल एप्पल काट के लाई है, उधर मेरे चप्पलों जूतों का। हाय गाइस एप्पल खाओ, हाय कर दो मदर, बहुत दिन हो गया हाय की आपको। हाय गाइस एप्पल खाओ। ये लोग गाइस मोनू भैया आ गए हैं और चाय वगैरह बना के उनको दे दिए, जब चाय पीते ही निकलेंगे शूट के लिए। और गाइस मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं सब बताना, साड़ी कैसी लग रही है वो भी सब बताना। तो ये है मेरा पूरा लुक, मैंने पहनी है पिंक कलर की साड़ी, तो आप सब कमेंट करके बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है।
देखो ये आज प्रॉपर मैं आपको सनसेट होता हुआ दिखा रही हूँ गाइज, देखो कैसे ऐसे बो रहा है यार, कितना अच्छा लग रहा है मदर। और गाइज ये आज मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, वैसे गांव में तो यूजुअली दिख जाता है पर कभी इतना नोटिस नहीं किया, और आज मम्मी ने मुझे दिखाया कि देख बेटा ऐसे होता है सनसेट। देखो गाइज तो गाइज शूट वगैरह करके अब यहाँ से निकल रहे हैं, और शूट पूरा मम्मी ने किया है, क्या क्या मैंने शूट किया है वो आपको मैं वीडियो में डाल दूंगी। और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं घर। और गाइज मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी आप लोगों से कि अगर आपको मिंत्रा, H&M या फिर अर्बेनिक हॉल वगैरह देखना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, तो फिर मैं एक दिन डालूंगी H&M, मिंत्रा, ज़ारा और अर्बेनिक, इन चारों में से आपको किसी के भी हॉल देखने हो तो आप मुझे बता देना, या फिर एथनिक में कुछ देखना हो आपको सूट साड़ी तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना गाइज, और या फिर मेरे पर्स वगैरह के हॉल देखने हो तो वो बता देना, मतलब जो भी चीज़ आपको देखनी हो आप मेरे को कमेंट कर देना, फिर मैं एक स्पेशली व्लॉग बनाऊंगी उसी के लिए हॉल बनाऊंगी। और गाइज फिलहाल और आज गाइज मैंने सनसेट होते हुए देखा फर्स्ट टाइम, मतलब इतने अच्छे से दिख रहा था, मम्मी ने मेरे को पूरा दिखाया और मम्मी ने पूरी मतलब स्टाइल बता बता के मेरा पूरा फोटोशूट किया है, तो वो सब भी आपको मैं व्लॉग में डाल दूंगी गाइज। और फिलहाल मिलवा देते हैं मम्मी से, ये देखो गाइज मदर पूरी कैमरामैन बन चुकी हैं थोड़े दिन में, तो गाइज मुझे लगता है फिर तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे मम्मी सीख जाएंगी तो थोड़े दिन बाद कैमरा ले लूँगी, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कैमरामैन की, मदर ही कैमरामैन है हमारी। तो मम्मी मतलब यार इस एज में आकर इतना सब कुछ शायद मेरे घर वाले भी नहीं कर पाते, और वो तो बिल्कुल भी नहीं करते यार, कि मेरी बहन है वो भी शूट करते हैं तो वो इरिटेट हो जाती है अगर जैसे मैं कुछ गलतियाँ वगैरह करती हूँ तो, लेकिन मम्मी मेरे को एक एक चीज़ ऐसे बताती है, बेटा ऐसे कर, ये कर, वो कर, तो यार बहुत अच्छा भी लगता है कि यार एक सास होके और इतना अप्रिसिएट कर रही है, इतने एफर्ट्स लगा रही है मेरे खुद के लिए, तो यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं गॉड को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है, ऐसा कुछ तो मैंने अच्छा किया होगा यार लाइफ में। हो गए थे घर आने के बाद वही डिनर वगैरह बनाया, उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, तो गाइज अभी करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। और गाइज मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूले, और गाइज फटाफट मेरा वॉच टाइम पूरा करा दो यार।